वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे चॉकलेट केक। सबसे पहले हमने स्पॉन्ज को बेक कर लिया है। अब हम इसके 3 लेयर्स कट करेंगे। इस तरह धागे की सहायता से हम 3 लेयर्स कट कर लेंगे। ये देखिए हमारे 3 लेयर्स कट हो चुके हैं। अब सबसे पहले लेयर नीचे रखेंगे और उसे हम मिल्क से सोक करेंगे। मिल्क से सोक करने से हमारा केक बहुत ही टेस्टी बन जाता है। अच्छी तरह से सोक कीजिए। उसके ऊपर थोड़ा सा चॉकलेट गनाच भी डालेंगे। उसके ऊपर हम क्रीम को फैला लेंगे अच्छी तरह से। अब हम इसके ऊपर ये हर्षी सिरप डालेंगे और अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे। उसके ऊपर थोड़े से चोको चिप्स भी डालेंगे। अब सबसे ऊपर वाली लेयर हम इसके ऊपर ऐसा रखेंगे ताकि हमारे केक को अच्छे से हाइट मिल जाए। साइड से फिल कर लेंगे, जो गैप है वो भर जाना चाहिए। इस तरह से फिर हम इसे मिल्क से सोकिंग करेंगे। तीनों लेयर हमने इसमें बना के हमारे केक को क्रम कोट कर दिया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे, थोड़ा सा सेट हो जाए। चलिए अब हम केक का फाइनल आइसिंग करेंगे। क्रीम को अच्छी तरह से फैला दीजिए। फिर साइड में क्रीम को अप्लाई करें। देखिए हमारी आइसक्रीम इतनी अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। अब हम इसे सर्व करेंगे। इस तरह से
थोड़े से मैंगो के टुकड़ों से हम इसका गार्निश करेंगे। तो फिर चलिए, रेडी है हमारी होममेड मैंगो आइसक्रीम। आप भी बनाइए और अपने परिवार को सर्व कीजिए।